हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए आर एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सामने आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आज ही का लेटेस्ट अपडेट है और ऑफिशियल अपडेट है सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के कैंसिलेशन को लेके। जी हाँ फ्रेंड्स, जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिलेशन का। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर यानी रमेश पोखरियाल निशंक ने ओपन किया है कि जितने भी सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं, उनका जो एग्ज़ाम है उनको कैंसिल कर दिया जा रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस। जी हाँ फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के वजह से जो सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है। यानी पहले होता क्या था, जो सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड का एग्ज़ाम, जो भी 10th और 12th का जो एग्ज़ाम होता था, उसको सेंटर दिया जाता था। जी हाँ फ्रेंड्स, अपने स्कूल में ना दे के किसी अदर स्कूल में सेंटर दिया जाता था। लेकिन इस बार एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम इस बार अपने ही स्कूल में देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये कोविड के वजह से क्राउड ज़्यादा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम को अपने ही स्कूल में कंडक्ट कराने की घोषणा की है। कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम को रिलेटेड। तो अमिड द ग्रोइंग डिमांड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2021। जी हाँ फ्रेंड्स, सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के कैंसिलेशन का बहुत बड़ा डिमांड किया गया था कि जो सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन 23rd मई के मीटिंग के बाद सीबीएसई ने और एजुकेशन मिनिस्टर ने यह डिसीजन लिया है कि क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम है उसको कैंसिल ना करके सेंटर जो दिया जाता है अदर स्कूल में, उसको कैंसिल करा के जो सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो खुद के ही स्कूल में उसको कंडक्ट करना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, के ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट है जो एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के बात किया गया था, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल ना करके एचआरडी मिनिस्टर और सीबीएसई बोर्ड ने यह डिसीजन लिया है कि जो भी एग्ज़ाम होंगे ये क्लास 12 के, वो खुद के ही स्कूल में कंडक्ट किए जाएंगे। यानी आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन कंडक्ट होगा और आपके ही स्कूल में एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले जो अदर सेंटर दिया जाता था वो अब इस बार नहीं होगा ड्यू टू कोरोना वायरस। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सीबीएसई ने यह डिसीजन लिया है कि कम टाइम है, जिसकी वजह से जितने भी, और कोरोना का जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, तो फ्रेंड्स ऐसे में कम टाइम है और रिज़ल्ट को जल्दी डिक्लेयर करना है ताकि आगे में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि साथ में जेई और नीट का भी एग्ज़ाम है। तो ऐसे में दोनों के बीच में क्लैश ना हो, इसके लिए सीबीएसई ने मेजर सब्जेक्ट का चुनाव करके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की घोषणा की है। यानी जो भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होंगे उनके बस मेजर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे, और मेजर सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम यानी बहुत सारे क्राइटेरिया, क्योंकि 23rd में जो मीटिंग हुआ था उसमें अपडेट मिला है कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे ओनली आपको 1 आवर मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन तो आपके मेजर सब्जेक्ट में ओनली मल्टीपल क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये बस इतने ही क्वेश्चन होंगे। पहले जो आपका रहता था थ्योरेटिकल रहता था, ठीक है, लेकिन इस बार आपका होगा मल्टीपल क्वेश्चन यानी एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, और जिसमें से आपको टाइमिंग 1 आवर दिया जाएगा। ये 1 आवर में आपको मल्टीपल क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और ओनली आपका जो सिलेबस है वो सेम पैटर्न रहेगा, बस आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मेजर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये सब जो जितना भी फाइनल डिसीजन है वो आपको 1 जून तक आपको अपडेट दिया जाएगा। व्हेन द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक वुड अनाउंस अबाउट द सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2021। जी हाँ फ्रेंड्स,
एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ये 1 जून को अपडेट देने की बात घोषणा की है सीबीएसई बोर्ड को लेकर। और सीबीएसई ने यह भी घोषणा की है कि एग्ज़ाम के बाद जो भी रिजल्ट होगा क्लास ट्वेल्थ बोर्ड का, उसको 15 डेज में कंप्लीट करके 15 डेज के अंदर रिजल्ट को अनाउंस करेंगे। जी फ्रेंड्स, सोर्सेस का कहना है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल कराने की ये बात कही है। तो फ्रेंड्स, अब तो वैसे ज़्यादा चांसेस नहीं है एग्ज़ाम कैंसिलेशन का, क्योंकि अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता तो बार बार डेट को डिले नहीं किया जाता। लेकिन अब सिंस सीबीएसई ने बहुत बड़ा ऑप्शन भी रखा है कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपके स्कूल में होगा, ऑन द स्कूल। आपको जो पहले सेंटर दिया जाता था वो सेंटर अब नहीं दिया जाएगा, अब आपको अपने ही स्कूल में यानी होम बोर्ड आपका होगा। यानी आपका इस बार होम बोर्ड एग्ज़ाम होगा और आपके जो एग्ज़ाम होंगे ओनली मेजर सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे और आपको 1 आवर दिया जाएगा। सेवरल स्टेट्स हैव रिपोर्टेडली बैक टू द आइडिया ऑफ होल्डिंग सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2021, बट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द सेंटर वुड एक्सेप्ट दिस प्रपोजल एंड इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स द एग्ज़ाम कैन बी हेल्ड फॉर 1.5 आवर्स इन मोस्ट स्टेट्स। जी फ्रेंड, सीबीएसई ने बाकी स्टेट्स को भी प्रपोजल दिया है और स्टेट्स ने भी प्रपोजल एक्सेप्ट किया है कि जो क्लास 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उन्हें 1.5 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, उन्हें मेजर सब्जेक्ट्स का। तो फ्रेंड्स, जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके होम बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपका जो सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम है वो आपका ऑफलाइन ही कंडक्ट होने वाला है और आपके स्कूल में यानी होम बोर्ड ही इस बार एग्ज़ाम होने वाला है। और आपका जो टाइमिंग है 1.5 आवर है। तो फ्रेंड्स, 1.5 आवर और मेजर सब्जेक्ट और एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिस अच्छे से रहा तो जो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए प्रैक्टिस और पर डे ये शेड्यूल बना के रखिए, क्योंकि आपको अच्छा स्कोरिंग करना है। क्योंकि अभी काफ़ी ही ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 1 मंथ, जो जितना ज़्यादा हो सके आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट शेड्यूल पे। तब तक के लिए प्लीज़ अपना जो स्टडी है और अपना जो हेल्थ है उसको अच्छे से ख्याल रखिएगा।